गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हड़हवा फाटक रोड पर युवक को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके संबंध में गोरखनाथ थाना प्रभारी ने बताया कि 8 जनवरी को हड़हवा फाटक थाना क्षेत्र गोरखनाथ में मारपीट की घटना में आयुष चौधरी पुत्र मनोज चौधरी निवासी चकसा हुसैन थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को पुरानी रंजिश को लेकर आशीर्वाद सोनकर सहित 5 अज्ञात व 8 से 10 अज्ञात लोग रॉड लाठी डंडा हॉकी से मार पीट कर घायल कर दिया था, जिसमें घायल आयुष चौधरी के चाचा अमित चौधरी पुत्र श्री रामवृक्ष चौधरी निवासी चकसा हुसैन पचपेड़वा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर ने अभियुक्तों के खिलाफ थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत करवाया था, जिसको देखते हुए मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को झूलेलाल मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आशीर्वाद सोनकर पुत्र राजेश सोनकर निवासी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ, दूसरा जयकिशन सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर निवासी 10 नंबर बोरिंग थाना गोरखनाथ, तीसरा प्रिंस कुशवाहा पुत्र प्रदीप कुशवाहा निवासी हुमायूंपुर तच्छुनी थाना कोतवाली, चौथा विकास सोनकर उर्फ वीके पुत्र संजय सोनकर निवासी अंधियारी बाग दक्षिणी थाना तिवारीपुर, पांचवा सत्यम कन्नौजिया पुत्र धर्मेंद्र कन्नौजिया निवासी रसूलपुर थाना गोरखनाथ, छठवा अभिषेक शर्मा उर्फ सन्नी पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी ग्राम बरनहवा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज, हाल पता मकान नंबर 157 प्रमोद चंद्र श्रीवास्तव के मकान में किरायेदार मोहल्ला पुराना गोरखपुर थाना गोरखनाथ गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में गोरखनाथ थाना के वरिष्ठ उप निरीक्षक भूपेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक नितिन श्रीवास्तव, रविंद्र प्रताप यादव, कांस्टेबल पंकज मौर्य, विपिन यादव सहित अनिवेश कुमार भारती शामिल रहे। अरे कहाँ खाना खुल ले अरे ठीक है अरे कोई डूमे में रखता था पहले के झोला खराब वाला।